नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अग्र रेंज आईजी नवीन अरोड़ा का भू माफियाओं एवं गैंगस्टर पर ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई, 49,40,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त। सभी जनपदों के SSP का सहयोग रहा, जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया उन पर की गई कार्रवाई। ऐसे 10 अपराधियों को चिन्हित कर NSA और गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। भू माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। भू माफियाओं की प्रॉपर्टी चिन्हित कर उनको जब्त किया गया। 58 पर किया गया इनाम घोषित। 61 लोगों पर गैंगस्टर में कार्रवाई की गई। 68 गुंडा एक्ट में की गई, जिन्होंने महिलाओं की असहमति पर उन्हें जबरन भगाया। 87 हिस्ट्री शीटर और 250 हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई की है। वांछित एवं इनामी बदमाशों पर की गई कार्रवाई। आगरा से जिशान अहमद की रिपोर्ट। हम लोगों ने 15 मई से 15 जून तक के लिए एक माह का एक विशेष अभियान चलाया था, जिसको ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया। और ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन था, जिसमें क्रिमिनल्स के जितने भी बड़े क्रिमिनल्स, चाहे वो संगठित अपराधी हों, माफिया हों या गैंगस्टर्स हों, और बड़े संगीन अपराधों के अपराधी हों, उनके खिलाफ एक समग्र अभियान चलाया, जिसमें उनकी हिस्ट्री शीट खोलना, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करना, नए हिस्ट्री शीटर्स की जानकारी करना, गैंग रजिस्ट्रेशन कराना, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना, संपत्ति जब्त करना, कुर्की करना, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी करना और विवेचनाओं का निस्तारण करना, इन सब समग्र चीज़ों को एक साथ लिया गया। और NSA की भी कार्रवाई की गई है। तो खासतौर पर जो बड़ी उपलब्धियां इसमें हमें हासिल हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चारों जिलों में 10 ऐसे अपराधियों के खिलाफ NSA कन्फर्म हुआ है, ये नहीं कह रहे चलान किया, कन्फर्म हुआ है, जिन्होंने मतपेटियां लूटी थी, चाहे वो फतेहाबाद जगनेर का मामला रहा हो या फिरोजाबाद का मामला था। इसके अलावा जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है, वो हम लोगों ने 10 नए गैंगस्टर कायम किए हैं, जिसमें 61 अभियुक्तों को रखा गया है इसमें, जो किसी न किसी तरह से संगठित अपराध करने में शामिल थे। इसी तरह से जो महिलाओं के साथ छेड़खानी, उनके साथ स्टॉकिंग, बॉवरिंग, उनका पीछा करना, उनके साथ छेड़खानी करना या गलत हरकतें करना, और लगातार मारपीट से संबंधित, बॉडी ऑफेंसेस से संबंधित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में 68 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। इसी तरह से पुरस्कार घोषित अपराधियों को टारगेट किया गया, और लंबे समय से जो इनामी अपराधी भाग रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा 2008-2012 तक के अपराधी इस अभियान के दौरान पकड़े गए हैं, और ऐसे 58 अपराधियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिसमें से 10 लोग 25,000 से अधिक के इनामी थे, और उसके बाद 48 लोग ऐसे थे जो 25,000 रुपए से कम के इनामी थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस एक माह में। नई हिस्ट्री शीट्स 87 खोली गई हैं, और ये भी बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, और विभिन्न अपराधों में लोग, अपराधी रुके हुए थे, जिनकी निगरानी का एक विशेष व्यवस्था बनानी थी। 250 ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑफेंस में शामिल हैं, या उनसे हमने बंधपत्र भरवाया है कि वो एक साल तक अपने आचरण को ठीक रखेंगे। तो ऐसे 250 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही 11 नए आपराधिक गैंग रजिस्टर किए गए हैं। ये गैंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटर डिस्ट्रिक्ट, रेंज, इंटर रेंज लेवल, जोन लेवल और स्टेट और इंटर स्टेट लेवल के गैंग हैं, जिसमें 71 अपराधियों को बुक किया गया है। साथ ही हम लोगों ने इस समय 21 लोगों को, जिसमें 17 गैंग मेंबर्स और 4 गैंग लीडर हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी की हैं किसी एक महीने के अभियान में। आपको ये भी बताते हुए मुझे खुशी होगी कि विवेचकों ने इसमें बहुत सहयोग किया हमारा, और लगभग 4839 विवेचनाएं ऐसी थी जिनको हमने खत्म किया है, और इस अवधि में उनको डिस्पोज ऑफ किया है। 114 ऐसी विवेचनाएं हैं जो SR केसेस से रिलेटेड है, चाहे वो डकैती हो, मर्डर हो, अपहरण हो, गैंगस्टर के मुकदमों में। 1761 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सिर्फ इस एक माह में की गई है, जिसके लिए सभी SSPs और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। और एक जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, वो हम लोगों ने ऐसे माफियाज को छांटा जो बहुत बड़े अपराध कर रहे हैं, संगठित अपराध कर रहे हैं, और उससे अवैध रूप से धन अर्जन करके रखे हुए हैं। ऐसे इस एक माह में 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जिनकी 49,40,00,000 की संपत्ति इस अवधि में कुर्क की गई है, और कुर्क करके सरकारी उसके खजाने में उनको रोका गया है। अब ये इन लोगों के ऊपर है कि उसके जायज होने का प्रमाण हमें उपलब्ध कराएं, जिससे अगर वो रिलीज होने लायक है तो होगी, अदरवाइज वो सरकार के खाते में, पक्ष में सीज रहेगी। इसमें एक चीज का और ध्यान रखा गया है कि जो सक्सेशन से प्राप्त है, उत्तराधिकार से प्राप्त प्रॉपर्टी है, वो नहीं ली गई है, और कुछ केसेस में इनकी अभी अचल संपत्ति ज्यादातर ली गई है, और
जो इन्होंने इस अपराध के करने से पहले अर्जित की हुई है वो भी संपत्ति अभी हमने छोड़ी है, तो सिर्फ वो संपत्ति दी गई है जो अवैध रूप से अपराध करके अर्जित की गई है, चाहे वो अपने नाम से हो या अपने परिवारजनों के नाम से। इस पूरे अभियान को मैं काफी सफल अभियान मानता हूँ। चारों जिलों ने इसमें काफी परिश्रम किया है। चारों जिलों के SSP को एक एक प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है जिनके समय में ये कार्रवाई हुई है, और इसके बाद सर्कल वाइज समीक्षा की जाएगी और जिस सर्कल का काम सबसे अच्छा पाया जाएगा वहां के गेस्टेड अफसर्स को भी एक एक प्रशस्ति पत्र जारी किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।